हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ़ रेखास किचन। आज इस वीडियो में आपको बच्चों की फेवरेट रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। हम बनाएंगे वेजिटेबल नूडल्स या चाउमीन नूडल्स, मिनटों में बनने वाली रेसिपी। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और नए नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल नूडल्स या चाउमीन नूडल्स। इसके लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम हुक्का नूडल्स। सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 ग्लास पानी और इसे प्रॉपरली गर्म कर लेंगे। देखो, बबल्स आने तक गर्म करना है। पानी में बबल्स आने लगे, पानी उबलने लगा, इसमें डालेंगे हुक्का नूडल्स। मीडियम फ्लेम पर 10 सेकंड के लिए इनको पकाएंगे। दस सेकंड हो गए, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए, अब इसको इन तरह से हमको कच्ची रखना है। नूडल्स को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा पका लेंगे तो चिपक जाएंगे और मैश हो जाएंगे। अब हम स्टेनर में डालेंगे नूडल्स को और इनको पानी को जलने देंगे। गरम नूडल्स के ऊपर डालेंगे 1 गिलास पानी और इन्हें हिला देंगे ताकि ये चिपकेंगे नहीं। अब दूसरी पैन को गरम करेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल की मात्रा आप थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। हम नूडल्स को बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल में। चाउमीन या नूडल्स के लिए सबसे पहले हम सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लेंगी मैं 3 चम्मच टोमेटो सॉस। 3 चम्मच टोमेटो सॉस लिया है। 1/2 चम्मच लेंगे सोया सॉस। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स। 1/4 चम्मच डालेंगे अजीनोमोटो। इसमें 1 स्पून मिलाएंगे रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। करेंगे नूडल्स के लिए, देखिए हमने सॉस तैयार कर लिया है। ऑयल को आपको हाई गरम करना है। इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्ची लंबी स्लाइस में कटी हुई, बारीक कटी हुई लहसुन। 1 मिनट तक हम दोनों को भून लेंगे। अब डालेंगे 2 लंबी स्लाइस में कटी हुई प्याज। अब इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक भूनना है। स्ट्रीट नूडल्स बनाते ना उसी स्टाइल में हम नूडल्स को बनाएंगे। 1 मिनट हो गया है। अब डालेंगे 1/2 चम्मच सॉस, और सॉस मैंने बचा लिया है। इस सॉस को हमको स्मोकी करना है। सॉस को स्मोकी करने के बाद इसमें डालेंगे 100 ग्राम केवेज, नमक स्वाद अनुसार। सभी वेज को 1 मिनट के लिए और भूनना है। 1 मिनट वेजिटेबल को भूनने के बाद इसमें डालेंगे सॉस जो हमने अलग से रखा था। सॉस को वेजिटेबल में भूनेंगे। आप देख रहे कितना परफेक्ट कलर आया वेजिटेबल का नूडल्स के लिए। अब डालेंगे नूडल्स। वेजिटेबल में नूडल्स को मिला लेंगे। इतना अच्छा फ्लेवर आया है, वेजिटेबल नूडल्स तैयार है। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। नूडल्स खाइए और एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।